नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है और अब भजनलाल सरकार की ओर से पहली वर्षगांठ को जोरदार तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। सभी विभागों की ओर से इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। एक साल पूरे होने पर जहां भजनलाल सरकार प्रदेश के किसानों को सौगात देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो वहीं अन्य क्षेत्रों में भी 15 दिसंबर को बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही युवा बेरोजगारों के लिए भी भजनलाल सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसी दिन सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाने पर काम किया जा रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता ज्योति मिर्धा और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बीच जुबानी जंग हमेशा चर्चाओं में रहती है, लेकिन एक बार फिर से ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की उपचुनाव में हार के बाद हनुमान बेनीवाल पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब हनुमान बेनीवाल के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की फितरत हमेशा मौका परस्त नेता के रूप में रही है। वह अपने मतलब के लिए किसी के भी पैर दबाकर पकड़ सकते हैं। प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है। 3 दिनों से जहां दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी ने लोगों को गर्मी का एहसास करवाया, तो वहीं आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम मिलाजुला दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह से बना रहने की पूरी संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने दिसंबर के पहले सप्ताह में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना भी जताई है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बीती रात अचानक तबीयत खराब होने के बाद उनको SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर SMS अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी के निर्देशन में उनका उपचार किया गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को एसिडिटी की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि डॉक्टर की ओर से उनकी हालत को स्थिर बताया जा रहा है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मंगलवार को जयपुर के शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा के आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें जल्द ही रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने करने और फरवरी में पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाने को लेकर भी चर्चा की गई। शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुलाल ने बताया कि इस बार रीट परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में एक ही दिन किया जाएगा। इसमें कोशिश की जाएगी कि अभ्यर्थियों को उनके निकटतम जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। इसके साथ ही फरवरी में पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। उन्नाव में गंगा नदी पर 150 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल का काफी बड़ा हिस्सा जोरदार धमाके के साथ नदी में गिर गया। पुल आजकल बंद चल रहा था, जिसके चलते किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह पुल लगभग 4 साल से बंद पड़ा था और प्रशासन ने इसे सार्वजनिक रूप से बंद करने के लिए दीवार तक बना दी थी, ताकि कोई क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। यहां पुल कानपुर और उन्नाव जिले के बीच स्थित था। पुल का निर्माण 1874 में हुआ था। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान अवध एंड रुहेलखंड लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। सरकार की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए प्रगणक नियुक्त करने को कहा है। पंचायत के 3 या 4 वार्डों के लिए एक प्रगणक नियुक्त होगा। एक प्रगणक के पास 2 आवंटित वार्डों से 1100 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर को ही प्रगणक नियुक्त करने को कहा है। पंचायतों में प्रशासक लगने पर सरपंच और वार्ड पंच नहीं रहते, पंचायत के सारे अधिकार प्रशासक के पास ही रहते हैं। जो विकास के काम सरपंच स्तर पर होते हैं, वह प्रशासक मंजूर करता है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में पानी के बंटवारे को लेकर जालोर में किसान सड़क पर उतर गए। बांध में पानी के बंटवारे की मांग को लेकर करीब 300 गांवों के किसान मंगलवार से ही कलेक्ट्रेट पर जुटना शुरू हो गए। किसानों ने बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट का घेराव किया, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों ही तरफ से कई बार टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। इस दौरान किसानों ने जालोर से निकलने वाले जोधपुर बाड़मेर नेशनल हाईवे 325 का रास्ता बंद कर दिया और रोडवेज बसों को भी रोक दिया। यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने करीब 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए हैं। इसमें ज्यादातर हाथ में पत्थर लिए हुए हैं। इसके साथ ही इन युवकों ने अपने
मुंह पे ही बांधे हुए हैं। बुधवार को पुलिस ने पत्थरबाजों युवकों के पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि और भी वीडियो सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज की जांच की जा रही है, आगे और भी पोस्टर जारी किए जाएंगे। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 4 महिलाओं सहित 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। संभल हिंसा में एक महिला का पोस्टर भी जारी किया गया है, ये महिला छत से पत्थर फेंकती हुई नजर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार जीत का फायदा ना सिर्फ गेंदबाजों को साथ ही बल्लेबाजों को भी हुआ है। पहले टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा को पछाड़ते हुए पहला पायदान हासिल किया। इसके साथ ही पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 161 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल ने 2 पायदान की छलांग लगाते हुए रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। पहले पायदान पर इंग्लैंड के जॉय रूट काबिज हैं। इसके साथ ही पहले टेस्ट में दूसरी पारी में शतक लगाने वाले विराट कोहली को 9 स्थानों का फायदा हुआ है। विराट कोहली अब रैंकिंग में 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।